में हम लोग ने देखा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं ना तो जिनका कोई बैकग्राउंड होता ना तो कोई फैमिली मेंबर का सपोर्ट होता है, बट फिर भी अपने खुद के दम पे एक लेवल पे जाके अपना खुद का एक नाम बना लेते, अपनी खुद की पहचान बना लेते हैं। मेरे साइड में आप देख सकते हो अवार्ड्स के, मतलब यहाँ पे मैं देख रहा हूँ नंबर ऑफ अवार्ड्स उनको जो मिले हैं बॉलीवुड से लेके ड्रामा में लेके उसके बाद में फिर जर्नलिज्म में खुद की अपनी पहचान बनाने उन्हें खुद की अपनी पहचान बना ली। तो आइए मेरे साथ में एक थोड़ा सा हम लोग इंटरेक्शन करते हैं और उनकी जर्नी के बारे में समझने की कोशिश करते हैं कि उनकी जर्नी किस तरह की रही और क्या क्या चैलेंजेस और कितने अप्स एंड डाउन थे उनके लाइफ में। शमा ईरानी मैडम के साथ। मैडम सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। और एक बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे लिए एक टाइम निकाला। आप बिलोंग करते लखनऊ से लेके मुंबई की जो जर्नी है उसके बाद में आप यहाँ पे एक लेवल पे आके अपसेट हो गई माशाल्लाह, अभी आपके नंबर ऑफ अवार्ड्स भी है, तो इसके बारे में ज़रा बताइए क्योंकि दिखने में तो बहुत अच्छे लगते हैं बट इसके पीछे आपकी ज़िंदगी के साथ में कैसे हुआ क्या, थोड़ा सा शेयर करेंगे तो हमारे लिए एक मोटिवेशन पार्ट हो जाएगा। ये क्या है कि फिल्म लाइन में हम कैसे आ गए, पहले जब मैं लखनऊ में पैदा हुई हूँ, जन्म हुआ मेरा वहाँ पर, और हमारी फैमिली ऐसी थी कि नाच गाना किसी को पसंद नहीं था जी, और नाच गाना अगर कर लिया, डांस भी कर लिया तो डैडी लकड़ी लेके धुलाई करने लगते थे। तो जब डेली हमारे जब डांस करे ये करे तो बोले मेरे डैडी कि देखो नाच गाना अच्छा नहीं है और ये हम लोग में अच्छा नहीं माना जाता है, अपने पढ़ाई पे ध्यान दो। तो मैं बोली हाँ ठीक है चलेगा। फिर वापस वही डांस का, तो लोग मेरा देखने लगे, कहने लगे नहीं इसको शौक है डांस का तो आप इसको नाम लिखा दो। म्यूजिक कॉलेज है लखनऊ में भातखंडे, वहाँ पे लच्छू महाराज जी थे। अच्छा। डांस मास्टर। अच्छा। बहुत बड़े, तो वहाँ पे मुझे डांस क्लास में डाला गया और फिर शो भी करने लगे। और फिर मेरे डैडी की भी थोड़ी प्रॉब्लम पैसे की हो गई, तो मैं जब शो कहीं पे भी जाऊँ तो मुझे मतलब बहुत कम पैसे मिलते थे वो टाइम, 50 रुपए 40 रुपए। अच्छा। तो वो भी बहुत बड़ी चीज थी। अच्छा। वो टाइम में मतलब ऐसा था कि वो जो शौक था वो शौक को लेके आप एकदम जिद पे अड़े थे कि मतलब मुझे कैसे भी करके कोशिश करके करना ही है ना, जद्दोजहद किया आपने उसको। डांस तो मुझे बहुत पसंद था और आज भी मैं बहुत पसंद करती हूँ डांस। मुझे एक्टिंग का शौक नहीं था मगर जब डांस लखनऊ में खूब, अपने अनूप जरोटा जी हैं। अच्छा। वो भी वो फिल्मी गाने गाते थे, बहुत अच्छे सिंगर थे। अच्छा। तो जब ये भजन तो नहीं कुछ भी गजल नहीं जी, तो वो अपने मुझसे उम्र में थोड़ा बड़े हैं वो जी, तो वो यंग थे, मैं वो टाइम बच्ची थे, तो हम लोग शो को करते थे। अच्छा। पे भी मिले, पीलीभीत में गए तो हमसे बड़ी अच्छी डांसर आई वहाँ पे क्लासिकल। अच्छा। और मैं उसको हेलो करी ये वो देख के, तो वो मुझे एकदम मतलब जैसे नहीं के बराबर इग्नोर कर दिया। हाँ। उन्होंने आपको। तो मैं बोली चलो कोई बात नहीं भाई, हमसे बड़ी है, नाम है इसका डांसर। अच्छा। का। हाँ। हम तो अभी नए जी, तो वहाँ शो हो गया, वहाँ पे गाने में अनूप जी का नाम आया फर्स्ट नंबर जी, एक सिंगर थी रेडिस वो आई फर्स्ट नंबर, और डांस में फर्स्ट नंबर शमा आ गई। क्या बात। अब वहाँ जो वो जो औरत वो खुद सामने से लड़की मेरे से बात कर रही है, अरे अभी तो शमा ही शमा यहाँ छा गई सबको, शमा वंस मोर हो रहा है। तो मतलब आपने वहाँ से मतलब आपके लाइफ का फर्स्ट स्टेप आपने वहाँ से स्टार्ट कर दिए। बिल्कुल। तो वहाँ से लेके आपकी मुंबई की जर्नी, मतलब लखनऊ में आपने ड्रामा में भी कुछ काम किए। लखनऊ में भी ड्रामे किए और नाम भी शमा, नाम भी मेरा किसी ड्रामे में रखा गया था तो वही नाम मेरा शमा, लोग शमा ही बोलने लगे। वाह वेरी गुड। मतलब वहां से आपका एक पहचान बन गई। हाँ, शमा के नाम से शमा ही नाम रखा गया। तो वहां से निकल के उस वक्त मुंबई आना और बॉलीवुड में आने के बाद में थोड़ा सा एक स्ट्रगल करना, स्पेशली आपके फैमिली से कोई बिलोंग नहीं करता बॉलीवुड में। अब जैसे आपने बताया कि मतलब स्पेशली आपके डैडी तो ये सब चीज़ से एकदम अगेंस्ट थे, फिर उन सब चीज़ को लेकर मैनेज करते हुए आप बॉलीवुड में आए, और जहाँ तक कि मुझे पता है आपने धर्मेंद्र सर के साथ में एक मूवी भी की है ना। हाँ, लाल हवेली। हाँ। और यहाँ पे मतलब ये जो था इसमें कैसे आपने मैनेज किया अपने आपको? नहीं पाए, जब मैं बम्बई आई हूँ तो हमारी बड़ी बहन बम्बई में रहती थी। अच्छा। और निम्मी आंटी भी हैं जो मेरी। अच्छा। वो भी मेरी आंटी हैं। हाँ हाँ। तो उनसे भी मिलना जुलना, मगर वो हमारे लिए काम वाम का नहीं, अपने लिए बस।
वो टाइम उन्हें काम छोड़ भी दिया था निम्मी आंटी ने, और उसके पहले जब मैं आई थी उस इसके पहले फर्स्ट टाइम जब मैं बहुत छोटी थी मेरी डैडी मम्मी के साथ जी, मेरी बहन के पास, तो जब मैंने साधना में साधना का बचपन का रोल किया था, अच्छा, पिता मेरा नाम पिक्चर उनकी आई अच्छा, थी अच्छा, हाँ, उसमें हाँ, तो वो टाइम मैं होंगी 4-5 साल की, वाओ, वो टाइम किया था, ना, मतलब हाँ, कनेक्शन है आपका बॉलीवुड के साथ में। हाँ, तो फिर वापस लखनऊ चले गए, फिर आए दोबारा, तो वो टाइम मेरा टिकट जब 20 रुपए का हाफ टिकट अच्छा और 40 का फुल टिकट, हाँ, तो आए यहाँ पे, फिर शूटिंगें होती थी पवई में, मेरी बहन रहती थी पवई आती है ना उधर, हाँ, रहती थी वो, तो वहाँ शूटिंगें बहुत हुई, मैं देखती भी थी और जा जा के डांस सीखने लगी गोपी किशन जी के पास अच्छा, हाँ, और रंजीत स्टूडियो में जाऊँ, वहाँ पे मुझे एक पिक्चर मिली कसम अच्छा। उसमें वो टाइम मुझे पैसा कितना मिला था, गाना मिला था डांस का अच्छा, तो उसमें मुझे 500 रुपये वो गाने के लिए, 500 रुपये रंजीत के में उसकी रेसल होती थी, अब उसकी जिस दिन शूटिंग है उसके एक दिन पहले मैं किधर गिर गई अच्छा, तो मेरे ये सब मुंह पे मार लग गई अच्छा, और मैं शूटिंग पे जा ही नहीं पाई। हाँ हाँ, और वो गाना बिंदु ने किया। हाँ हाँ हाँ, बिंदु बिंदु बिंदु, हाँ, तो बिंदु ने भी वो टाइम उसने पैसा लिया था 5,000 रुपये वो गाने के। अच्छा, उस गाने के लिए 5,000। हाँ, और मुझे 500 आपको मिले थे 500 रुपये। हाँ, बहुत बड़ा गैप था ये समझिए। हाँ, फिर बाद में हमने बोला चलो जो भी है, फिर बंदूक पिक्चर मिली, नजर खान डायरेक्टर थे। हाँ, और हीरो हीरो कौन? हीरो उसमें विजय अरोड़ा था, रजा मुराद थे अच्छा, और रियाना सुल्ताना थी जी जी, नीलम मेरा थी, उसमें मैं साइड हीरोइन थी, आदिवासी का रोल कर रही थी गांव के। हाँ, तो वो भी मतलब पिक्चर मेरी कम से कम 10 रील बनी, 12 रील, दो डायरेक्टर ने उसने मतलब उन्हें एक पिक्चर बस बनाई जो पूरी शगुन फिल्म बनाई थी अच्छा, वहीदा रहमान की। हाँ, हाँ, उसके बाद उनकी जो भी 3-4 पिक्चरें बनी हैं वो सब आधे से ज़्यादा बनी फिर रुक गई। अच्छा, कुछ वजह हो सकती है। हाँ, ऐसा है। फिर माटी मांगे खून में मेरे को अच्छा रोल मिला था अमजद खान के साथ, उसका दासी का रोल कर रहे थे। तो क्या होता है कभी कभी फिल्म बन तो जाती बड़ी, मगर कोई नया एक्टर या जो भी है तो जिस उनको जो बीच में ज्यादा आ रहा था उसको जो नया आया उसको कट करने का उसको निकाल देते हैं। हाँ, और गोपी जी के पास जाते थे डांस, मतलब है ना आपका मतलब स्ट्रगलिंग चल ही रहता, मतलब जद्दोजहद आपकी जो थी वो चल ही रही थी। हाँ, काम कर ही रहे थे और अपने हम मॉडलिंग भी करते थे, और जैसे जहाँ पे मॉडलिंग का हो गया या शो का हो गया, स्टेज शो हो गया, ड्रामे हो गए बम्बई में। ओके, मैं उर्दू प्ले भी करती थी उसके, मतलब आपने आपको अपना इतना बिजी रखा जो मिले उसके अंदर आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, चाहे ड्रामा मिले चाहे प्ले मिले या तो कोई साइड रोल मिले या तो मॉडलिंग शो मिले, क्योंकि उससे मुझे सीखने को बहुत चीज मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल, और मुझे 4 पैसे भी मिलते हैं। बिल्कुल, कि चलो हमको घर भी चलाना है जी, और सीखने भी मिला है। कभी कभी तो मुझे 1-1 साल के बाद पिक्चरें मिलती थी। अच्छा, तो भी जब हम कैमरा फेसिंग करते थे तो क्यों मैं ड्रामे की करी भी हूँ ये वो, तो मुझे कुछ ऐसा नहीं लगता था कि मैं नई नई खड़ी हूँ जी जी, तो हर चीज में काम कर लेती थी। अच्छा, फिर एक फिल्म करी थी वो सुबह कभी तो आएगी अच्छा, उसमें भी मेरा अच्छा रोल था, ऐसे जमींदार मजदूरों का काम रहता है जी जी जी, गरीब ऐसे, उसमें भी दिलाए थे, उसमें नीलू फुले भी थे। अच्छा अच्छा, मराठी फिल्म के जो हिंदी, हाँ मराठी, मराठी फिल्म के जो जाने माने एक्टर हैं बहुत अच्छे, नीलू फुले जी बहुत अच्छे। हाँ बिल्कुल, उसमें मैं साइड हीरोइन थी जी, वो सुबह कभी तो आएगी जी, तो उसमें एक मेरा नीलू फुले जी के साथ डायलॉग था। अच्छा, मैं खड़ी भी हूँ तो मेरा सीन हुआ ही नहीं, तो मैं फिर बोली, मैंने बोला दादा थोड़ी सी आवाज़ अगर आप डायलॉग थोड़ा सा ऊंचा बोलेंगे हाँ, तो मैं पकड़ सकती हूँ हाँ, डायलॉग बोलने हाँ, तो फिर उन्होंने ज़ोर से बोला हाँ, तो मेरा सीन होके हो गया। अच्छा, उनकी आवाज़ भी काफ़ी कड़क थी। हाँ, तो मैंने फट से वो पकड़ लिया। अच्छा, तो उसमें मेरा डायलॉग भी ये था
कि मजदूर के खून पसीने की कमाई भी हेश करना मदद नहीं है सेठ, जुल्म है जुल्म। आखिर कब तक हम ये जुल्म सहते रहेंगे? क्या हमारी जिंदगी की कोई कीमत नहीं? तो उधर से बोलता, देख लूंगा तुम्हें। आप रियल कैरेक्टर में चले गए। देखिए यही बात होती है, मतलब आदमी का पैशन अंदर हो ना तो मतलब वो निकल ही जाता है। देखिए मैडम ने जिस तरह से मतलब उस टाइम का बहुत पुराना डायलॉग है उनका, और डायलॉग अभी भी उनको पूरा याद है, और वो अभी जस्ट रिपीट कर रहे थे तो मैं देखा ना कि सीरियसली आप उस कैरेक्टर में चलेंगे पूरी तरह से। नहीं, और पहले के जो एक्टर लोग थे, जैसे अभी अमजद खान, माटी मांगे खून में अमजद खान का एक सीन था पैर दबाने का जी। तो मुझे अमजद खान जी बोलते हैं, सॉरी माफ करिएगा, आपको मेरे पैरों में हाथ लगाना। ओ, बहुत बड़ी बात है। इतनी मतलब पहले के जो एक्टर थे वो अलग ही चीज थी, रिस्पेक्ट। हाँ, आज के जो है लड़के लोग लड़कियां, वो आज तो अच्छे अच्छे घर के लड़के लड़कियां आ रहे, पहले नहीं आते थे, कि फिल्म लाइन को ऐसा गलत मानते थे कि माँ बाप नहीं। मगर आज जब लड़की लड़के आ जाते हैं, वो नंगे सीन कर रहे हो या कोई भी कर रहे हो, फिर भी माँ बाप देखते, चलो मेरी बेटी का नाम तो हो गया है। हाँ, हाँ। चलो अभी अब सेलिब्रिटी बन गई। हाँ। मैंने ये अपना गोपाला फिल्म, चंकी पांडे हीरो था। अच्छा, चंकी पांडे। हाँ, उसमें मैंने प्रेम चोपड़ा के साथ उनकी वो विलन थे जी। तो वैम का रोल किया था साथ में। अच्छा। हाँ, तो वो भी अच्छा, मतलब आरके में शूटिंग हुई काफी सब जगह, ये एसएल स्टूडियो में हुई। अच्छा, शिल्पा शिरोकर थी। अच्छा। चंकी पांडे था, रूपा गंगोली थी। तो वो फिल्म जो थी, मतलब कि जब हम कोई भी काम करते हैं उसको सही से किया जाए, एक ही आदमी काम करे तो वो चीज बराबर से चलेगी। और अगर वो आप एक डायरेक्टर को हटा दो, दूसरे को लिया, तो उसने जितना जो सीन था पूरे काट काट के। अच्छा, वो सोच बदल जाती, कैरेक्टर बदल जाते, बाद में फिर उनके जो डायरेक्शन की जो चीजें थी वो बदल जाती। जहाँ पे हम लोग के सीन थे जेल के जी, रेडिस लोग थे हम लोग। हाँ जी, हाँ जी। हम लोग रूपा गंगोली को मारने जाते हैं। हाँ हाँ। तो वहाँ उसने क्या किया, आदमियों को कपड़े साड़ियाँ पहना के बिठा दिया। ऐसे उनकी अलग सोच होंगी। मगर पिक्चर अगर अच्छे से बनाई जाती तो बहुत चलती। फिर राजश्री की मैंने 2-3 पिक्चरें करी थी जिनमें छोटे छोटे रोल किए थे। अच्छा। गुप्ता जी हैं जो राजश्री के जी। तो वो मुझे फिर तू आओ जाओ घर तुम्हारा है पिक्चर, आपने देखा होगा वीडियो क्लिप उसका। आपकी क्लिप देखा। हाँ, उसमें प्रेम किशन के साथ जी, जी। मैं थी साइड हीरोइन, रामेश्वरी थी जी। सभी बीरबल ये लोग थे। खूनी मुर्दा में भी किया काम जी। काफी पिक्चरें करी मैंने। और फिल्म लाइन में क्या है, वो टाइम जब हम काम करते थे पैसा नहीं था ज्यादा जी, जी। किधर 500 रुपए मिल गए, कहीं 300 मिल गए। अच्छा। तो ऐसे करके और आज के टाइम में अगर ये टाइम अभी मैं होती यंग तो आज मैं कुछ बन सकती थी। बिल्कुल। और वो टाइम मेरे को क्या, पैसा नहीं कुछ नहीं, मुझे इधर शूटिंग नहीं है तो मुझे अपना घर भी चलाना है, अपनी फैमिली भी देखना है सबको, तो उस हिसाब से। मगर मुझे जहाँ पे राइट लोग मिलते थे काम करने के लिए और सही मिले और मुझे रिस्पेक्ट इज्जत भी मिले तो मैं काम करती थी। अच्छा। मुझे नहीं सही वहाँ पे मिले तो मैं नहीं काम करना पसंद करती थी जी। बिल्कुल। ये इतनी मतलब मैं ये नहीं थी कि पागल मुझे फिल्म में काम करना है। ओके। मुझे डांसर मैन बनने का था, गोपी किशन जी के साथ जी। मैं डांस सीखती थी, कभी असिस्टेंट करने जाती थी, फिर राज दीपक थे उनके साथ भी। और मैंने 2 फिल्मों में मैंने डांस डायरेक्शन भी दिया। अच्छा। पूनम दास गुप्ता को, सत्यनाम कौल को, पिक्चर का नाम है लागिरे अगन। अच्छा। हाँ, उसमें और तलाक क्यों नवीन कुमार की करी मैंने, 3-4 एपिसोड में काम किया उसमें। अच्छा। और भी मैंने ये राजू श्रीवास्तव के साथ किया था सागर, एक वीडियो कॉमेडी था। देखिए मतलब जहाँ तक ऐसा लग रहा है कि मतलब ऐसा मतलब कहीं ना कहीं आपकी कोई जर्नी रुकी नहीं, कंटिन्यू चलती रही। हाँ, यहाँ नहीं तो वहाँ दिया, बट ये कि आपका पैशन फाइनली यही था कि मतलब मुझे डांस डायरेक्टर बनना है, मतलब तो डांसिंग में आपका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। तो मैंने डांस डायरेक्शन भी दिया, मुझे बहुत खुशी हुई कि चलो मुझे क्या हुआ, सरोज खान जी जब थी जी, उनसे मैं बोली कि भाई मुझे अपना असिस्टेंट रखिए जी जी।
तो बोलने लगी शमा मेरे पास तो काफी लड़कियां हैं और मैं अभी तुमको रखूं तो और फिर तो बोली कोई बात नहीं चलिए। तो फिर मेरे पास आ गया नवीन जी का फोन जी एक दो चार दिन के बाद बोली शमा मेरे तीन चार गाने हैं उसको डायरेक्शन देना है। मैं बोली ठीक है कहीं कल तुम आ जाना। उनको कैसे कि मैंने उनकी एक टेली फिल्म करी थी अच्छा। उसमें पूनम दास गुप्ता थी अच्छा। और गोगा कपूर और भी लोग पद्मा खन्ना थी तो उसमें एक डांस का सीन था गाने का पंजाबी गाना अच्छा। तो जो लड़की की माँ बनी थी उसको बोला इनको तो बोलने लगे शमा तुम ही वो डांस कर लो पूरा अच्छा। तो मैंने वो पंजाबी गाना उसी टाइम सुना मैंने कर लिया तो कैमरा मैन और ये कहने लगे आप अभी गाना सुनी और आपने एकदम इतना फर्स्ट क्लास डांस कर दिया। वो तो आपका तो पैशन ही था ना मतलब आप तो बस मरते ना क्या मतलब वेटिंग में थे क्या भाई अपॉर्चुनिटी मुझे मिले आप उसको पकड़ ले। तो वहाँ पे आपने मतलब आपका 100% दे दिया। हाँ तो नवीन जी को भी बहुत पसंद आया जी कहने लगे बहुत अच्छा बहुत कैमरा मैन इतना खुश हो गया। तो उसके बाद ही मेरे को नवीन जी ने ये देखा ना कि शमा में जो टैलेंट। तो फिर जब मैंने डांस डायरेक्शन दिया तो मैंने उनकी फिल्म से ये सीख लिया कि जो जो डांस के बोल हम करते जाए उसको लिखते जाए अच्छा। और आगे की म्यूजिक फिर उसके आगे बोल आए वो लिखते जाए अच्छा। तो ऐसे करके मैंने डेढ़ घंटे में पूरा गाना कर लिया। डेढ़ घंटे में आपने पूरा गाना कंप्लीट कर। हाँ वेरी गुड। बॉलीवुड से उठ के जो आपने जो यहाँ पे जर्नलिज्म में आप पहुँच गए तो ये सडनली चेंजेस कैसे क्या है? नहीं क्या है मुझे लिखने का शौक है अच्छा। और बीच में मेरे को बिहार चोपड़ा के जो भाई थे धर्म चोपड़ा जी उन्हें भी मुझे एक फिल्म दिलाई थी चंग करके तो पैसे की बात उन्हीं ने कर ली थी अच्छा। तो बोलने लगे कि ऐसा है तो मैंने मुझे वहाँ एक दो रिपोर्टर मिले थे मद्रास के तो बोलने लगे आप भी शमा जी रिपोर्टर में आ जाइए आपका नाम होगा ऐसा है। तो मैं बोली चलो इसमें भी शुरुआत करते हैं यानी मतलब सोचेगा चलो यहाँ तो हो गया अभी थोड़ा वहाँ पे भी हम थोड़ा कोशिश कर देते हैं। हाँ उसमें भी मैंने के शुरू किया किसके साथ असिस्टेंट भी बने ये वो मगर जो असिस्टेंट बने वो वहीं पढ़ा रहा है मैं उसके आगे निकल गया। उसको कुछ नहीं आया मगर मैंने उससे बहुत चीजें सीख ली के आदमी बोलते ना कि गुरु के आगे चेला निकल जाए आज उसका नामो निशान नहीं है। हमने बहुत चीजें सीखी और क्या होता है ना कि हम कोई भी चीज बने हम उसका कभी भी घमंड नहीं करें कि हम ये बन गए ये कर लिया वो कर लिया। कराने वाला तो एक अल्लाह है बिल्कुल और अल्लाह जिसमें भी वो शक्ति डाल दे तो आदमी कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखता। नहीं बट ये भी होता ना शमा जी देखिए उसमें एक फोकस भी होना चाहिए। आप किसी चीज को अगर काम कर रहे तो उस पर आपका नहीं कि 100% फोकस होना चाहिए कि भाई मुझे करना है मतलब करना है। ऐसा नहीं कि थोड़े बहुत चैलेंजेस आ गए तो आपने छोड़ दिया उसको। अभी जैसा आपने जैसा मतलब ये एक्टिंग करते करते आपने जो है रिपोर्टिंग में चले गए वहाँ पे स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत आपको प्रॉब्लम्स फेस हुए होंगे? नहीं रिपोर्टर में मैं गई मेरे को अपनी पहचान बनाने में कम से कम मुझे 5-6 साल लगे। देखिए 5-6 साल वापिस से फिर वापिस फिर से एक बार आपकी स्टार्ट हो गई जर्नी जहाँ पे आपकी खुद की पहचान बनाने में फिर 5-6 साल लग गए। हाँ मैंने रिपोर्टर में भी फिल्म में क्या तो चलो हो गया था। हाँ रिपोर्टर में मैंने बहुत अपना कुछ भी और कहीं कहीं मुझे कुछ मिले नहीं मिले फिर भी मैं अपना मेहनत करती जाती थी कि नहीं कुछ बनना है। सही है सही। और जब बने तो हर जगह से लोग बुलाने लगे सब जानने लगे कि नहीं शमा ईरानी लिखती हैं ये वो तो सभी लोग तो आज मतलब मुझे हो गए 35 साल हो गए फिल्म लाइन में हो गए मेरे को 47 या 46 साल हो गए। ये गाइस ये हमारे लिए बहुत बड़ा एक मोटिवेशनल पार्ट है। क्या होता है जैसा शमा जी ने बताया कि मतलब उनके जो लखनऊ से बाद में फिर मुंबई मुंबई में फिर बॉलीवुड बॉलीवुड से बाद में फिर रिपोर्टिंग और ये जो रिपोर्टिंग के लिए भी वापस से फिर 5 साल का बट कहीं पे भी उन्होंने मतलब अपना सोचाने के मतलब अभी मुझे लग रहा है कि भाई मैं थक गई हूँ या तो अभी बस यहाँ पे भी फिर से वापस वही ना जंग में उतरना है बट नहीं उन्होंने वो जो चीज़ को कंटिन्यू किए और 35 ईयर्स 35 साल के बाद में आज उनका जो एक पहचान बनी है जहाँ पे बॉलीवुड में
सिंटा के एक मेंबर्स भी है वहाँ पे, एक उनके एक रिलेशन है, बाद में फिर रिपोर्टिंग जितने भी रिपोर्टर्स हैं उनके बीच में भी इनकी एक अपनी पहचान बनी है। क्या है, मैं मुझे किसी ने भी अगर अवार्ड दिया है तो कोई गलत नहीं दिया है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी वैसा किया है। अच्छा, कि मैं हूँ रिपोर्टर, डिजर्व करते थे उस चीज को, मतलब रिपोर्टर हूँ लिखा है तो मुझे मिला है, कोई ने ऐसा नहीं कि ये ले लो ऐसे। बिल्कुल, मुझे नाज है अपने ऊपर कि मैं कुछ बनी हूँ, हम अपने मतलब मेहनत करके। वेरी गुड। और एक क्या है कि कोई भी इंसान, आप हमेशा अच्छों के पास बैठिए, पढ़े लिखों के पास बैठिए, कोई भी चीज़ है कि उससे सीखने को मिलेगा कोई चीज़। ये हमारे लिए लेसन है, सीखने मिलेगा और आप आगे बढ़ते रहेंगे। और अगर जो इंसान सोचता नहीं, हम कुछ नोट मिल जाए, अब बहुत से तो ऐसे आते हैं फिल्म लाइन में, होते हैं एक्टर बन जाते रिपोर्टर और मैं रिपोर्टर एक्टर बन के रिपोर्टर बनी तो बहुत से मुझे देखते थे कैमरामैन, ये फोटोग्राफर, स्टील फोटोग्राफर लोग, प्रेस वाले, तो बस क्या, अरे ये तो फिल्म में काम करती हैं, ये इसमें रिपोर्टर लाइन में कैसे आ गई? तो हमने बोला क्यों इसमें नहीं आ सकते, हर चीज का आदमी को शौक रखना चाहिए। बिल्कुल, बहुत सही है। मैं बोला ना कि मतलब ये हमारे लिए एक लेसन है जो हमको सीरियसली लेना होगा। लिखना मतलब उसके लिए स्पेशली उर्दू की तालीम होना बहुत जरूरी है। तो आपने क्या उर्दू मीडियम से आपकी स्टडी है? नहीं, मैं हिंदी मीडियम से पढ़ी हूँ। तो फिर उर्दू में आपने मतलब आपके अल्फाज को कैसे आपने प्रेजेंट? हम उर्दू सीखे हैं, पढ़ाई की मैंने स्पेशली उसी, हाँ उर्दू, क्योंकि मैं जब फिल्म में काम करती थी तो मुझे जो उर्दू ड्रामे, उर्दू पढ़ना लिखना मैंने सीखा यहाँ पे, तो मैंने मुझे उर्दू ये ज़बान आई है। अभी उर्दू भी प्ले करिए ड्रामे। अच्छा, तो उसमें अगर हमारी उर्दू ज़बान नहीं बराबर है तो कोई मतलब नहीं है। अच्छा। और जब हम किसी का इंटरव्यू भी लेते थे तो आजकल तो क्या इंटरव्यू लेते हैं, बहुत अलग टाइप से, नाच नाच के, डिस्को करके, हिल हिल के, तो क्या पूछना है वो नहीं पूछते उसके पहले, तो वो सामने वाला ज़्यादा हिल जाता है तो आदमी बोलता बस चलो ये हिल लिया है ना, ये इंटरव्यू हो गया। कम से कम इंटरव्यू आप एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दिया आप। हाँ। नहीं, जब इंटरव्यू ले रहे हैं किसी का भी, हम कुछ पूछ रहे हैं तो सामने वाले को भी बताने में भी मज़ा है और मुझे पूछने में भी मज़ा आना चाहिए। अभी मैं देख रहा हूँ कि मतलब आपके यहाँ पे मतलब आपके अवार्ड्स में अभी शो करूंगा मेरे चैनल पे, बहुत सारे अवार्ड्स मिले, और स्पेशली मैं देख रहा हूँ कि मतलब आपकी जो लिखावट है, आप जो आर्टिकल लिखते हैं उसके ऊपर ही मिले, और प्लस अपकमिंग में भी कुछ जगह पे है, मतलब आपकी इनविटेशन है जहाँ पे आपको जाना है अवार्ड्स के लिए। अभी मेरे को 15 मार्च को है, डॉक्टर कृष्णा चौहान जी मुझे दे रहे हैं जी, नारी शक्ति में, नारी शक्ति के बारे में। हाँ। उसमें आपने कुछ लिखा था? उसमें लिख के डाला मैंने, डाला आपने लिख के नारी शक्ति के ऊपर। हाँ। तो ये जो थॉट प्रोसेस आपकी, ये जो थॉट से कहाँ से आते हैं आपके पास में? नारी शक्ति क्या, जब भी हम नारी हैं, हमने कैसे अपनी जिंदगी गुजारी है, तो हम इसी टाइप से हम देखते हैं कि औरतें किस टाइप से जीना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए। और हमेशा औरत में जितनी शक्ति होती है वो आदमी में नहीं शक्ति होती है। अगर आदमी अकेला हो गया, औरत नहीं है, उसको छोड़ के गई, तो वो दूसरी औरत ढूंढने चला जाएगा, कि उसको सहारा चाहिए। मगर औरत को जो ऊपर वाले ने, अल्लाह ने एक औरत को जो अंदर जो शक्ति दी है ना, उसको दूसरा आदमी ढूंढने की जरूरत नहीं मिलेगी, उसके अंदर इतनी शक्ति कि वो खुद भी जी सकती है अकेले। क्या बात है, बहुत बड़ी बात है। नारी शक्ति मतलब उसी को बोलते हैं कि जो एक अपनापन, अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को जो औरत इज्जत देती है और आगे भी चाहती है कि मैं कुछ बनूं, और आदमी नहीं हो तो भी औरत अकेली भी जी सकती है। कुछ औरतें ऐसी होती हैं उनको ज़रा सा दुख हो गया तो दूसरे के सामने आंसू लेके रोने लगेंगी, मेरी जिंदगी आए बर्बाद हो गई, मैं रोने लगती हूँ, मेरा कैसे चले। वो ढोंगी टाइप की औरतें होती, वो नारी। अच्छा। शक्ति नहीं होती है। अच्छा।
वो समझिए वो सामने वाले को टोपी घुमा रही। अच्छा, मगर जो नारी शक्ति है वो चीज दी है अल्लाह ने औरत में, वो कोई भी हिंदू हो मुस्लिम हो कोई भी जात की हो, जो सच्ची औरत होगी वो एकदम मर्द बन के खड़ी रहेगी और किसी से वो डरेगी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सही। और ना किसी के आगे अपना गम बोलेगी, खुद कमाएगी अच्छे से पालेगी भी सबको। नारी शक्ति के ऊपर मुझे लग रहा है कि आपके पास अगर मैं बैठूं तो मुझे लग रहा है कि काफी लंबा चौड़ा लेख लिख दोगे मेरे सामने। तो अभी आपके जो अवार्ड से अपकमिंग अवार्ड से हुआ तो इंशाल्लाह उसके अंदर मैं भी आपके वहाँ पे वीडियोस और फोटोज मेरे भी चैनल के लिए मैं कुछ लूंगा। ये और मैं चाहता हूँ कि आपके जो अवार्ड्स है जो आपको मिले हैं एक बार आप थोड़ा सा शो कीजिए। जरूर। आपकी आवाज फाउंडेशन एंड सौरभ शर्मा प्रेजेंट 12th महाराष्ट्र प्रेस्टिजियस रत्न अवार्ड 2021 शमा ईरानी। कृष्ण चौहान फाउंडेशन प्रेजेंट महात्मा गांधी रत्न अवार्ड 2021 डॉक्टर कृष्ण चौहान अवार्डेड टू शमा ईरानी ATC रिपोर्टर। बॉलीवुड आइकोनिक अवार्ड 2022 अवार्डेड टू शमा ईरानी सीनियर जर्नलिस्ट। शमा जी ये जो आपको अवार्ड मिला है KCF लीजेंड्स दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2021 अवार्डेड टू शमा ईरानी एज अ सीनियर जर्नलिस्ट, ये काफ़ी बड़ी बात है। ये कैसे आपका अचीवमेंट, मतलब ये कैसे आपने कैसे इसको अचीव किया? मैं तो इतनी खुश नसीब हूँ कि मैं इतने सालों से फिल्म लाइन में हूँ, उसके बाद रिपोर्टर में, और मुझे मैं दादा साहेब फाल्के का अवार्ड को मैं बहुत पसंद करती थी, जाती थी जहाँ भी इसका अवार्ड मिलता था, और आज मुझे मिला है तो मैं इतनी खुश नसीब, मैं नसीब वाली मानती हूँ कि मेरे को बहुत बड़ी चीज़ मिल गई कि उसकी मैं कुछ भी बोल नहीं सकती उसके बारे में। दादा साहेब फाल्के अवार्ड मतलब ये अलग लेवल पे पहुँच गया, अलग लेवल पे पहुँच गया। और मैं नसीब वाली खुश नसीब हूँ कि मुझे दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला। वेरी गुड। बॉलीवुड लेजेंड अवार्ड्स 10th दिसंबर 2022 अवार्डेड टू शमा ईरानी स्पेशल गेस्ट ऑनर शमा ईरानी। महात्मा गांधी रत्न अवार्ड 2022 अवार्डेड टू शमा ईरानी एज ए जर्नलिस्ट। राष्ट्रीय रत्न सम्मान 2022 अवार्डेड टू शमा ईरानी सीनियर जर्नलिस्ट। तो शमा जी आपके जो लिस्ट ऑफ अवार्ड्स जो है मैंने थोड़े कैप्चर करने की कोशिश किया हूँ और आपके अपकमिंग जो अवार्ड्स है उसके बारे में आपने बताया, तो मैं दुआ यही करता हूँ कि ऊपर वाला आपको इतना नवाजे कि मतलब हर एक जगह पे बस कहीं पे भी ऐसा लगे कि भाई कुछ फंक्शन होने वाला था शमा ईरानी पहुँच जाए और उनका नाम पहुँच जाए, यही मेरे चैनल की तरफ से और मेरी तरफ से आपके लिए दुआ है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया खान साहब। तो मुझे मिस्टर खान दुआ कीजिए शमा मैडम के लिए और मेरे लिए भी, और हमको इसी तरह से सपोर्ट कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।